नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2024 में हो गए बड़े बदलाव। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीएसटी अभ्यर्थी को यूआर कैटेगरी में नहीं मिल सकेंगे नौकरी। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, उसमें बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी परेशान हैं। अब उनको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अब कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स है, रिजर्व कैटेगरी से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये क्या रूल है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा और अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, उसमें पेज नंबर 21 पर यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी एवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2024 ओबीसी एनसीएल एससीएसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन शैल कंटिन्यू टू बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट ओबीसी एनसीएल एससीएसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो कैटेगरी के कैंडिडेट है, अगर सीबीटी वन में कैटेगरी का बेनिफिट लेकर के या रिजर्वेशन लेकर के अगर क्वालिफाई करते हैं, तो सब्सिक्वेंटली आपको सीबीटी टू में उसी कैटेगरी में रहना होगा जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, 2019 के नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बाद में उसे ओरिजेंडम कर करके हटा दिया गया था। वो भी नोटिस आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहोगे, ये 14/3/2019 को एक नोटिस पब्लिश हुआ था। दोस्तों, आप यहाँ पे जो अभी देख पा रहोगे, जो अभी बताएं सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया है, लेकिन इसको कोरिजेंडम करके यहाँ पे देख सकते हैं टू बी रीड एज, उसको हटा दिया गया था। बताया गया था कि सीबीटी वन में जो जितने भी वैकेंसी है उसके 20 टाइम्स रिजल्ट दिए जाएंगे और सीबीटी टू में सीबीएटी के लिए और टाइपिंग या स्किल टेस्ट के लिए 8 टाइम्स रिजल्ट दिए जाएंगे। ये सारे चीज़ को हटा दिया गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फिर यू टर्न मारे है और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो दोस्तों, मेंशन किया है तो लागू भी करेगा। अब समझते हैं कि अगर लागू होगा तो अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स अन्य कैटेगरी से यानी ओबीसी एसएसटी से कम जा सकता है क्या? आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मान लिया जाए कि दो ओबीसी का कैंडिडेट है, एक अभ्यर्थी का जो मार्क्स आया है यहाँ पे 65 मार्क्स आया है, एक अभ्यर्थी ओबीसी का ही है, उनका जो मार्क्स आया है आपका 72 मार्क्स आया है, और एक अभ्यर्थी यूआर का है, उनका जो मार्क्स आया है आपका 75 आया है। दोस्तों, ओबीसी का जो कट ऑफ मार्क्स गया है 60 गया है और रिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स गया है 70 गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो सेकेंड नंबर के ओबीसी कैंडिडेट है, जनरल के कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई कर रखे हैं, जनरल का 70 ही कट ऑफ मार्क्स है और ओबीसी का 72 है। इस कंडीशन में यह अभ्यर्थी सीबीटी वन में ही जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो बंदा है उनका तो 75 मार्क्स है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स तो क्वालिफाई कर ही रहे हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो अभ्यर्थी थे उनका जो कट ऑफ मार्क्स गया 60 गया है और कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए वह क्वालिफाई करते हैं 5 नंबरों से। दोस्तों, इस कंडीशन में ये अभ्यर्थी वो सीबीटी टू में भी आपको ओबीसी ही कैटेगरी में रहना होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में उन्होंने कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए क्वालिफाई किए हैं, जबकि सेकेंड नंबर के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी का भी सीट ले सकते हैं। दोस्तों, सीबीटी टू एग्जाम हुआ, सीबीटी टू एग्जाम हुआ, इसमें जो अभ्यर्थी ओबीसी में थे जिनको सीबीटी वन में यहाँ पे 65 मार्क्स आ रहे थे, मान लिया जाए कि उनको सीबीटी टू में जो मार्क्स आ गया आपके 85 मार्क्स आ गए। एक और जो अभ्यर्थी थे ओबीसी के जिनको यहाँ पे 72 मार्क्स आ रहे थे उनको यहाँ पे 90 मार्क्स यानी 92 मार्क्स आ गया, और जो अभ्यर्थी यूआर में थे उनको यहाँ पे 95 मार्क्स आ गया। मान लिया जाए कि जो सीबीटी टू का जो कट ऑफ है मार्क्स है 90 गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे ओबीसी वाला जो जनरल क्वालिफाई कर रहे थे और यहाँ भी कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, यहाँ 90 था, यहाँ पे 92 आ गया, यानी जनरल कट ऑफ के मार्क्स को क्वालिफाई कर दिए। तो दोस्तों, इस कंडीशन में यह अभ्यर्थी को जनरल का सीट दिया जाएगा, जबकि ये जो अभ्यर्थी है यहाँ पे भी कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए क्वालिफाई किए थे और यहाँ पे भी कैटेगरी का बेनिफिट, मान लिया जाए कि ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे 80 ही रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे भी वह कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए ही क्वालिफाई हुए हैं, जिसके कारण इनको ओबीसी में ही कंसिडर किया जाएगा और उनको रिजर्व कैटेगरी का सीट नहीं दिया जा सकता है।
दोस्तों यहाँ पे अगर इनका मार्क्स जो है 85 की जगह 95 भी हो जाता, 100 भी हो जाता, फिर भी इनको अर्जेंट कैटेगरी का सीट नहीं दिया जाएगा। जबकि जो 92 नंबर जो अभ्यर्थी लाए हैं, अगर इनका घटकर के मार्क्स अगर यहाँ पे 82 नंबर भी हो जाता तो उनको ओबीसी का सीट दे दिया जाएगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। इनको ओबीसी का सीट दे दिया जाएगा, इनको बाहर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई भी कैटेगरी CVT 1 में कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको कैटेगरी में ही रहना होगा। यानी अगर ओबीसी में आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको CVT 2 में जो सीट मिलेगा आपको ओबीसी ही मिलेगा, चाहे आपका नंबर कितना भी ना हो। वही दोस्तों जो अभ्यर्थी CVT 1 में जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं, अगर वह जनरल कैटेगरी से CVT 2 में भी क्वालिफाई करते हैं तो उनको जनरल का सीट दे दिया जाएगा। पर अगर उनको जनरल से क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी से CVT 2 में क्वालिफाई करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको ओबीसी का सीट दिया जा सकता है। तो दोस्तों यही अपडेट था जो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि अब जो कट ऑफ मार्क्स है ओबीसी का या अन्य कैटेगरी का जनरल से अधिक जा सकता है, ये डाउट समाप्त हो गए होंगे। जब भी कट ऑफ मार्क्स जाएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी का ही हाई जाएगा, कभी भी कैटेगरी का हाई नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में जुटे रहें कि अगर इसमें अमेंडमेंट होना होगा, अभ्यर्थी तो कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पेपर जो है CVT 1 क्वालिफाइंग नेचर का है तो यहाँ पे ऐसा रूल लागू नहीं किया जाए, जहाँ पे मेरिट लागू होगा वहीं पे लागू किया जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।